बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां केवस निजामत पंचायत में तालाब में नहाने गए दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि तीन को बचा लिया गया। एक बड़ी खबर, एक बड़ी घटना समस्तीपुर में देखने को मिल रही है, जहां घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नहाने गई बच्चियों में एक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के लिए कई लड़कियां तालाब में कूद गई, लेकिन सभी डूबने लगी। हल्ला होने पर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और तीन लड़कियों को किसी तरह डूबने से बचा लिया गया। मृतक बच्चियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गांव में मातम पसर गया है। तो एक बड़ी खबर समस्तीपुर से, जो स्नान कर रही थी तालाब में, पैर फिसल जाने के कारण एक बच्ची डूबने लगी। उसको बचाने के लिए बच्चे कूदे तालाब में, चार पांच बच्चे थे वहां पर डूबने लगे सभी। तो वहां पर कुछ लोग थे ग्रामीण जो बचाने का प्रयास किए, तो तीन बच्चे बच गए, लेकिन दो बच्चे की मृत्यु हो गई। एक बच्ची का नाम है रूपम कुमारी, पिता रंजित पासवान, दूसरी बच्ची का नाम अभिलाषा कुमारी है। जो तो एक बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां दो बच्चियों की मौत हो गई, हालांकि तीन बच्चियों को बचा लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पप्पू हैं फोन लाइन पर। पप्पू, कब हुआ ये हादसा? जी मैं बता दूं कि दोपहर को केवस निजावत पंचायत स्थित बघरा तालाब में स्नान करने गई थी बच्ची लोग। वहां पे लोगों का बताना है कि स्नान के दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के लिए जब दूसरी लड़कियां या और लड़कियां उनको पकड़ी, तो वो लोग भी डूबने लगी। जी, बच्चियों की उम्र क्या बताई जा रही है जो इस घटना में मृत्यु की शिकार हुई है, क्या है उम्र उनकी? मृतका बच्ची की पहचान रंजीत पासवान की 12 वर्षीय रूपम कुमारी एवं 15 वर्षीय अभिलाषा कुमारी के रूप में की गई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पप्पू। तो बता दें कि दोपहर की घटना है, जहां समस्तीपुर में नहाने के दौरान तीन पांच बच्चियां डूब गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने तीन बच्चियों को बचा लिया किसी तरह, वहीं दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। और घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने निबंधन कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मनियारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद मृतक की बाइक लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि जिले में बीते 24 घंटे के भीतर अपराधियों ने तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ये रजिस्ट्री ऑफिस के एक कर्मचारी हैं, जो कि कटारा ओपी के निवासी हैं वैशाली ज़िला में। और मनियारी थाना क्षेत्र में हम लोगों को सुबह 4 बजे करीब सूचना मिली कि उनकी डेड बॉडी रोड पर पड़ी हुई है, उसमें गोली मार के उनकी हत्या करी हुई है। तो मौके पे पुलिस टीम पहुंची और उनकी बाइक वहां से गायब थी। बरामद में उनके पास से मोबाइल मिला है और कुछ पैसे। नालंदा जिले के नगर थाना क्षेत्र में चोर ने एक व्यवसायी के घर से 5 लाख रुपए नगद समेत गहने लेकर फरार हो गए। पीड़ित शहर से बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। मैं काम में चल गया था सर, हाँ। तब उसे कोई नहीं था, तब लूट लिया, एक को कुछ नहीं रह दिया। क्या क्या चीज लूट हुई? सर चीज था, पटली था, मंगलसूत्र था, मंगलसूत्री था, पायल था, दो तीन जोड़ा कनवाली था, झुमका था, पैसा था, सब मैंने लूट लिया, सब लूट लिया। कटिहार जिले के रोतारा थाना क्षेत्र में ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हम लोग आ रहे थे पूर्णिया साइड से, कटिहार जा रहे थे, और सामने हमरे हमसे आगे गाड़ी जा रही थी, एगो कार है, और उधर से ट्रक आ रहा था, उसमें धक्का मार दिया वो गाड़ी दोनों, उस बगल हम लोग के जस्ट आगे हम देखे ट्रक से लगा धक्का कार, नहीं हताहत नहीं हुआ है, घायल चोट लगा, हम लोग निकलवाए उसको हॉस्पिटल भेजवा दिए हैं, तो मेडिकल कॉलेज। बेगूसराय में अपराधियों ने हथियार के बल पर सड़क निर्माण कंपनी से 20 लाख की रंगदारी की मांग की। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के कुशमहौत गांव की है, जहां
बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया और कर्मचारियों को बंधक बनाकर रंगदारी की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे जब्त किए। इस घटना के बाद सभी कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। पटना के बाईपास इलाके में ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बाईपास को घंटों जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी की। इस दौरान नाराज लोगों ने दर्जनों गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए। इसके साथ ही सड़क से गुजर रहे यात्रियों पर भी हमला किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। We'll be right back.